पोस्ट ऑफिस न्यू इंटरेस्ट रेट यानी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें। देखिए, जब कभी भी हम पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम हमें सबसे ज़्यादा पैसा दे सकती है, यानी पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम पे हमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और ये पूरा डिपेंड करता है कि किस स्कीम की, पोस्ट ऑफिस की किस स्कीम की इंटरेस्ट रेट फिलहाल सबसे ज़्यादा चल रही है। तो आज हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो नई इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी 2023 को आने वाली है वो क्या रहेंगी, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के लिए अभी रुकना चाहिए, नई इंटरेस्ट रेट का वेट करना चाहिए, या आपको अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। देखिए, वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की फ़िलहाल सभी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही हैं और कौन सी स्कीम की इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगी। सबसे पहले देखते हैं फिलहाल पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, फिर देखेंगे 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट क्या होंगी। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, इसकी इंटरेस्ट रेट 4% फिलहाल चल रही है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के RD अकाउंट की, इसकी इंटरेस्ट रेट 5.8% चल रही है। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की FD या TD जिसको बोलते हैं, एक साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 5.5, दो साल के लिए 5.7, तीन साल के लिए 5.8%। अब बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम यानी MIS अकाउंट के बारे में, इसकी इंटरेस्ट रेट है 6.7%। अब पोस्ट ऑफिस की FD TD पाँच साल के लिए, उसकी इंटरेस्ट रेट है 6.7%। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC अकाउंट के बारे में, इसकी इंटरेस्ट रेट 6.8% है। अब बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की KVP अकाउंट की इंटरेस्ट रेट के बारे में, पूरा 7% चल रही है जो 10 साल में डबल पैसे करती है। PPF अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे SSC अकाउंट। अब देखते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसकी इंटरेस्ट रेट 7.6 और SSC सुकन्या समृद्धि योजना की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6 फिलहाल चल रही है। आपने पोस्ट ऑफिस की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो आपने देख ली है, और आपने देखा कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY या SSA स्कीम में 7.6% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो सभी स्कीमों में सबसे ज़्यादा है। तो अब बात आती है, क्या हम वेट करें 1 जनवरी 2023 से जो इंटरेस्ट रेट आएंगी पोस्ट ऑफिस की उसका, या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, और पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी 2023 से क्या होने वाली है। देखिए, मैं सुजेस्ट करूंगा कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी 2023 से बढ़ने की जो गुंजाइश है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि अभी पिछले क्वार्टर में पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई हैं, लगभग 2-3 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई थी, और अब के क्वार्टर में भी पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो ऐसा बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। तो आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो अभी कर दीजिए, क्योंकि पीछे बहुत बार रेपो रेट बढ़ चुकी थी और वो 0.5% तक बढ़ी थी, लेकिन तब भी पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब की बार बहुत ही कम रेपो रेट बढ़ाई गई है। तो अब तो बहुत ही मुश्किल है कि पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो जिसको इन्वेस्ट करना है वो अभी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेट करके उनको मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।